आज से नहीं होगा, 300 साल पुराना मंदिर शहर की सबसे बड़ी आस्था शिखर को गणेश जी को मंदिर ही है। खुद की बैठेड़ा है अठ है घोड़ी बग्गी से अठी रुकी गणेश जी आगे गडमा को नहीं गया तो बच्चा की आ गणेश जी से मांगी ना भी के पांचवे दिन बच्चा की आँख होगी। राम राम साहब, मैं हूँ थारो मित्र मुकेश और थे देख रहे हो जलको शिखर। जलको शिखर की टीम आज शिखर जिलो है आपनो इनके अंदर है जो एक प्रसिद्ध गणेश जी को मंदिर है पहुंची है। छोटो सो मंदिर है लेकिन इनकी मान्यता है वह काफी बड़ी ही विशाल है। अठे का जितना भी लोकल मंत्री विधायक है वह सकला जब भी चुनाव आवे चुनाव आने से पहले जो अथ है मत्थो टेके जावे। मंदिर है जो लगभग 250-300 साल पुराना मंदिर है। मंदिर की कई विशेषता है और कितो पुरानो मंदिर है और के लोगों की श्रद्धा आस्था है जो कोई मंदिरों जरूरी है तो आ तमाम बातों पर आप अठे का लोगों से बातचीत करके देख सकते। मंदिर का मुख्य पुजारी जी आपने साथ में तो आप आशो जान सकें कि मंदिर की के विशेषता है प्लस कि मंदिर कितो पुराणो है। 1840 में राव राजा देवी सिंह जी पासी का 10 किलोमीटर गांव काशली से विजय कर गणेश जी ने अठे लाया और गणेश जी की महिमा है कि फतेहपुर अठू 50 किलोमीटर दूर है। बठे घोड़ा दागता जना अठे का राजा का घोड़ा लग जाता 10 किलोमीटर दूर राजा का घोड़ा खोल लागता जना राजा शास्त्रिया ने विद्वाना ने पूछा जना माने विद्वान किया के गणेश जी महाराज अड़ेगढ़ में काशली में विराजमान है इलिए अठे घोड़ा कूड़ा खोलना गए। फिर राजा देवी सिंह ने प्रार्थना की गणेश जी शिखर चालो जना राव राजा बड़े काशली गांव ने जीत्या जना भी गांव ने तो छोड़ दिया बठूं गणेश जी की मूर्ति अठे लार विराजमान कर रहा ना राव राजा अठू ले जा रहा ना गणेश जी अठे ही रुका और गणेश जी गढ़ में गुनी गया राजा के सागर अठे ही रुका। राजा ने आदेश करियो तने दर्शन करना है तो माने अठे ही विराजमान कर दे। आज भी गढ़ की मोरी खुली है अठे जो राव राजा दर्शन कर तो आज भी मुख्य मोरी खुली है। टोटल समझा कितना साल हो गया लगभग इन्हें होगा 1840 में स्थापित देवी सिंह करियो आ बाड़ू माटी की माटी काप की बनेड़ी मूर्ति है। बारिश में पूरी भीग जाए पूरी डूब जाए शहर का गंदा पानी से फेर भी है यहाँ का यह निखड़ा हुआ आगो विजय गणेश नाम पड़ेड़ो है ना विजय गणेश अठे विराजमान होगा। बिगवा में कोई भी मांगलिक धार्मिक सांस्कृतिक राजनीतिक कार्यक्रम हो जना जत्ता भी प्रत्याशी है आप आपकी विजय कामना लेकर आकर आवे है गणेश जी माने परिणाम देवे है। एक बार एक शेटाणी के बच्चा की आँख कोनी ही तो बच्चा की आँख गणेश जी से मांगी ना भी के पांचवे दिन बच्चा की आँख होगी। फिर बा गणेश जी का आँख चढ़ावा की बात करी फिर बा एक बार दर्शन करवा आएगी बिना आख्या ले रही जना भी ने गणेश जी दर्शन दिया तू मारा क्या छा वही तेरा टापर की भी आ क्या आगी। दूसरे ही दिन बा पूरा घर का गए सागे गणेश जी का नाक रगड़वा आई आख लाई चांदी की और छड़ाएगी अटे बहुत ही मतलब लोगों की आस्था आस्था खूब है। गणेश जी 20-30 किलोमीटर का जत्ता भी है जगह सुबह पहली दर्शन करवावे बुधवार ने और रात ने 11 बजे तक शहर पूरो दर्शन करवावे। अमूमन देखा आप मंदिर कितना ज्यादा बड़ा हुआ है और वहाँ मंदिर बनावट है बन देखता अभी ज्यादा लोग कोनी में बैठा है। गणेश जी की स्थापना खुद की होड़ी खुद की बैठेड़ा है अठे आने कोई आगो कोई मुहूर्त वो कोनी हो जी दिन अठी लाया घोड़ी बग्गी से अठे ही रुकी गणेश जी आह्वान करा गए मैं तो अठे प्रजा खातर बैठेगा गढ़ में घूम जावा। अबार जी की मंदिर की देखभाल है बा कुण करवा लग रहे देखभाल मागा पिताजी सीताराम माँ की बुआ जी हा रुक्मणी देवी वह मार कर नहीं रहता फिर वह विरासत में वो मंदिर माने देगा और हम मागा पिताजी 30-40 साल से करता आ रहा है मैं 3 भाई हाँ देखो पूजा अर्चना करा तो भक्तों को मतलब इसो का स्पेशल बार जगह दिन ज्यादा भीड़ लग रही है। बुधवार को बार रेवे हमेशा सारो शहर को दुकानदार है सुबह पहली दुकान खोलवा से पहली गणेश जी का दर्शन कर जावे 50 साल पुराणो अखंड दीवो है ऐशोभावती का महाराज जयरामदास जी का हास्य प्रज्वल करेड़ो हो जस भी यही चश्रे हो। शहर की सबसे बड़ी आस्था शिखर को गणेश जी को मंदिर ही है और आस पास में देख पा रहे बहुत सारी दुकान है जिसका मन लगा मंदिर के कारण वहाँ पेट पड़े जाओ। हाँ सब प्रसाद की दुकान है पहली अठे कुछ ही कोनी है गणेश जी विराजमान होया बाद में शिखर को सबसे बड़ो आज तबेला से भी बड़ो बाजार हो। विधायक राजेंद्र जी पारी गए खूब आस्था है बाकी अबारी अठे वह 13 करोड़ रुपया को सीवर लाइन को काम करवाए है सड़क निर्माण स्ट्रीट लाइटा अब पानी की मौजूदा स्थिति आ है कह रहा बारिश को अबारी 5 दिन पहली बारिश आई ना कुछ पानी भेड़ो हो नहीं थोड़ी सी बारिश में
गणेश जी दो दो घंटा डूबेड़ा रहता पानी होता जी सीकर सो हमेशा आओ मंदिर के आवा दो साल हो गई ईश्वर उन जगह मांगो मन्नत पूरी हो रही है थारी हां पूरी भी हो रही है सही हो रही है महाराज के में तो यहीं सही है हां आवाज आई है करया जाए मेरे भाई सुख चैन सु रांग दे माने तेरा आवाज आई कर लिया हमारी हिम्मत है जत तो और पांच तारा लहर का पुजारा हो जाए मतलब माने तभी तो कितनी रेडी है लोगों की सबसे ज्यादा भीड़ आवे सा हो जाता कई कई तो अब लॉकडाउन वाला का दो साल में जना कोई नहीं तो यहां नावड़ा ही कोई ओ सीकर का सबसे बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है 300 साल से पुराना जब ये गढ़ बना था उसके बाद से ये दरबार साहब यहाँ से दर्शन करते थे गढ़ के अंदर से जब से ये है इतना मान्यता है इसकी मंदिर की जब भी कोई भी नया साधन है चाहे लूना ही हो चाहे स्कूटर हो नए जो भी बिकल है पहले गणेश जी के दो लगा ले ऐसी गणेश जी के पहले आसी बिक बाद में आगे हुए कार्रवाई हुए जो तो नेता अभिनेता कोई भी हो कोई कारण है या फिर मान्यता है सबसे बड़ी गणेश जी महाराज सबकी विघ्न है सबसे बड़ी मान्यता है इसलिए बहुत ज्यादा मान्यता है और शिखर में एकमात्र मंदिर ही है गणेश जी को क्या करें क्योंकि आजकल टापर विज्ञान में ज्यादा विश्वास करें मंदिर देवर हम विश्वास कौन करें थानो कहीं कहना नहीं मंदिर को मैं भी विश्वास रखना चाहिए विज्ञान पर ज्यादा मंदिर पर ज्यादा विश्वास रखना चाहिए क्योंकि मंदिर से अपनी आस्था सारी चीजें जुड़ी हुई कई विशेषता लगे थाना मंदिर की क्योंकि हर आदमी की सोच अलग अलग हुआ हरी के सोच है मंदिर में हमारी सोच है कि गणेश जी का मंदिर ने हर बुधवार ने बहुत सारा शिखर का निवासी लोग आवे हैं मंदिर के लिए आस्था है पर मंदिर की एक ही समस्या है बारिश के टाइम अटेज को पानी भरा है ये समस्या से निदान जगह MLA ही अटा का सांसद ही बन देखना चाहिए कि बहुत बड़ो मंदिर है एक जो समस्या पानी भरा हुआ है इको निकासी के लिए आन कुछ ना कुछ करना चाहिए भाई दर्शन भी करके जाए अठहरबान पतो भी है कि पानी बारिश के टाइम में मैंने मंदिर है जो पूरा पानी से भर भी जावे भाई एक बार आवे अठे आवे जना एक बार खे जाए भी के बाद में भूल जाए बस दोबारा याद आवे जना याद आवे कि आपा खे की गया भी चीज ना आपा हाँ आपने जो सीकर जिले के अंदर जो गणेश जी को मंदिर है इनकी स्पेशल कवरेज ही हानी ये कवरेज के ऊपर किराए है बाबी आपने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताने की कोशिश करें जय सीकर जय राजस्थान।